नमस्कार। हम लोग अभी वंदे भारत ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग हावड़ा जाएंगे, हावड़ा के बाद वहाँ फिर फ्लाइट से हम लोग अंडमान निकोबार जाने का कार्यक्रम। वंदे भारत ट्रेन आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे प्रीमियर ट्रेन है और सबसे चर्चित भी। आइए इसके बारे में जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कौन वह व्यक्ति है जिसको मुख्य रूप से इसका क्रेडिट जाना चाहिए। एक इंजीनियर थे रेलवे में, उनका नाम था सुधांशु मणि। बहुत कम लोग जानते हो, इवन विकिपीडिया में भी उनका नाम नहीं, आश्चर्य की बात है। तो श्री सुधांशु मणि जो कि मैकेनिकल इंजीनियर थे रेलवे में, मूलतः ये लखनऊ के रहने वाले थे। 2018 में इनका रिटायरमेंट था। लकली इनको 2016 में इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में पोस्टिंग हो गई और इनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन इंडिया में चलती है, जिसको हम लोग इंपोर्ट करके मंगाते हैं, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है। इन्होंने अपनी टीम के साथ डिस्कस किया और इस पॉसिबिलिटी पर काम करना शुरू किया कि क्या हम लोग इंडिजिनियसली यानी भारत में सेमी हाई स्पीड ट्रेन बना सकते हैं क्या, और वहीं से शुरू। इनके मन में एक बात थी कि 2018 में मेरा रिटायरमेंट है, 2018 के पहले मैं इस प्रोजेक्ट को पूरा कर दूँ। इन्होंने प्रेजेंटेशन दिया रेलवे के ऑफिशियल्स बोर्ड के पास, बट इनिशियली ये लोग बड़े स्केप्टिकल थे, इसको लगा कि पता नहीं इंडिजीनियसली हम लोग बना सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इसके लिए जो ब्रॉडगेज, इसके पहले भी कोशिश की गई थी, शताब्दी इसके पहले जो ट्रेन थी उसका हाइएस्ट स्पीड था। एक लिमिटेशन माना जा रहा था कि जो ब्रॉडगेज और हम लोग का रेलवे लाइन है शायद सस्टेन नहीं कर पाएगा, वायबल नहीं हुआ टेक्निकली। लेकिन बाद में इन्होंने रिलेंटलेसली इसमें परशू किया और रेलवे के बोर्ड और फिर अल्टीमेटली मिनिस्ट्री को कन्विंस किया और फाइनली हुआ कि नहीं इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए। 2018 में ये पूरा प्रोजेक्ट बन करके तैयार हुआ और 15 फरवरी 2019 को इसका कॉमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट किया मोदी जी। आमतौर पर सब लोग क्रेडिट देते हैं और ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हैं तो क्रेडिट जानना ही चाहिए, लेकिन इस चीज़ को याद रखिए, जैसे श्रीधरन जी को याद किया जाना चाहिए मेट्रो के लिए, उसी तरह से वंदे भारत के लिए श्री सुधांशु मणि, मैकेनिकल इंजीनियर, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई को यह क्रेडिट जाना चाहिए। इस पूरे ट्रेन का डिज़ाइन रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने किया और वे पूरा इंडिजीनियसली इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री चेन्नई में बना। इसका ऑप्टिमम स्पीड 180 किलोमीटर है, हालांकि वाइबिलिटी और ब्रॉडगेज के स्थिति को देखते हुए इसकी स्पीड को 160 किलोमीटर ऑप्टिमम रखा गया है और इसका पूरा नेटवर्क धीरे धीरे फैल रहा है। बेशक ट्रेन की बनावट, इसका इंटीरियर बहुत शानदार है और आप यूं कहें कि यूरोप और साउथ ईस्ट एशिया के किसी भी डेवलप्ड कंट्री की तुलना में यह ट्रेन भारत की मतलब एट पार तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ अ सीरियस अटेम्प्ट टुवर्ड्स दैट। तो आज के तारीख में वंदे भारत एक्सप्रेस देश की सर्वश्रेष्ठ ट्रेन है, सर्वोत्तम ट्रेन है, लेकिन इसका क्रेडिट उस इंजीनियर को जरूर जाना चाहिए जिसने इस आइडिया को कंसीव किया, जिन्होंने मेहनत की और इसको बनाया, और उसका नाम है श्री सुधांशु मणि। धन्यवाद।